जय श्री महाकाल। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे कुकिंग फल बॉक्स में। तो तेल ऑयल मेरे घर में होते हैं, आपको नहीं देखिएगा। और हम बनाने जा रहे हैं, आपको पहले दिखाते हैं हमारा बड़ा पाव, उल्टा वाला पाव। ठीक है, तो हमारा पाव ये रखा है, तो बड़ा हमने तल कर तैयार कर लिया है। हमने घोल तैयार कर लिया है और उधर उधर देखिए हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। अब हम इसके अपना पाव को तैयार कर लेते हैं। तो हम अपने पाव को कट कर लेते हैं। उधर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। से डिप करके ऐसे अपना सब बड़ा पाव डिप कर दिया हमने। और देखिए इधर हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। तो ये हमने इसमें डिप करा हुआ देखिए अपना पाव, हम इसमें ऑयल में डाल देंगे। हमारा उल्टा बड़ा पाव बन रहा है। हमने उस पहले रेसिपी में आपको दिखाया था, सॉरी हमारा कैमरा हिल चुका है। बड़ा पाव अब हम दिखा रहे हैं आपको, उल्टा बड़ा पाव। दूसरा बड़ा पाव तैयार कर लेते हैं। सॉरी हमारा तेल थोड़ा सा तेज हो गया, तो तुमने गैस ऑन कर दी थी इसलिए थोड़ा सा क्रिस्पी उल्टा बड़ा पाव बन कर दे दी। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए ये हमारा क्रिस्पी क्रिस्पी उल्टा बड़ा पाव। ए बैठ जा। तो हम डालेंगे दूसरा उल्टा बड़ा पाव। देखिए अच्छे से टिप कर लिया हमने बेसन में, जिससे हमारा क्रिस्पी क्रिस्पी बने उल्टा बड़ा पाव। ये गया हमारा ऑयल में उल्टा बड़ा पाव।
इसे अच्छे से पलटेंगे जिससे हमारे तले ने क्रस्टी क्रस्टी बनकर रहेगी। तो हमारे मोहल्ले में हो रही है रामायण, तो तुम्हें थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी। तो देखिए हमारा उल्टा पड़ा पाओ, इधर हमारी सूटी कैरी लाओ। इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए क्या मस्त कलर आ रहा चले आ रहे हैं। तो इसे भी क्रिस्पी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उल्टा पड़ा पाव बन कर रेडी है। आप इसे ग्रीन चटनी या और रेड चटनी साथ आराम से खा सकते हैं। ये फैमिली के साथ, बाहर वाली के साथ, घर वाली के साथ, सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपको हमारी उल्टा बड़ा पाव रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं। तुम चले आ रहे हैं। देखिए हम अच्छे से सिफाई करेंगे जिससे कहीं भी कुछ कच्चा पन नहीं रहे। तो फ्रेंड्स हमारा उल्टा बड़ा पाव रेडी है। इसे भी निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए इसको कुरकुरा करके निकालेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना मस्त कलर आया है। ओ तेरी, अब हमें सर्व करके दिखाते हैं। देखिए हमने उल्टा बड़ा पाव अपना तल के रख लिया है। देखिए क्या मस्त फ्राई हुआ हमारा उल्टा बड़ा पाव। अब हम आपको इसे काट के दिखाते हैं। ये हमारा उल्टा बड़ा पाव की प्लेटिंग हम रेडी है। अब हम इसे आपको कट करके दिखाएंगे। ग्रीन चटनी रेड चटनी के साथ सर्व किया है। आ देखिए हमारा क्रिस्पी उल्टा बड़ा पाव बनकर रेडी है। प्लीज़ कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। हम आपके लिए ऐसी न्यू रेसिपी लाते रहें, प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे हम नेक्स्ट लोग हम वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। जय श्री महाकाल। हम सबको कट करके दिखाते हैं। तो मस्त उल्टा पड़ाव, देखिए हमारा मस्त उल्टा पड़ाव पाव बन गया है। और हमने प्लेटिंग भी कर दिए। देखिए आज ये फ्रेंड्स आप भी खाएँ क्या मस्त एंड सुंदर बड़ा पाव का कलर आया है। देखिए ये हमारी चटनी, ये ग्रीन चटनी और ये हमारा उल्टा बड़ा पाव। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सॉरी हमसे वीडियो बनाने नहीं आती, हम फिर कोशिश करते हैं आपके लिए न्यू न्यू रेसिपी लाते रहते हैं। प्लीज़ शेयर माई चैनल वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सॉरी, बाय बाय। जय श्री महाकाल। तो फ्रेंड्स हम आपको कट करके दिखाते हैं अपना टेस्टी उल्टा बड़ा पाव। सॉरी हमारे पास सब कुछ जरा मिलती है टाइम पास। देखिए बहुत तेरी क्या मस्त फीलिंग है। देखिए अंदर तो फ्रेंड्स ये हमारा उल्टा बड़ा पाव रेडी है। हाजी फ्रेंड्स ग्रीन चटनी एंड रेड चटनी के साथ, सॉरी कटोरी में। तो हमारा ये रेडी है। वाओ, लीजिए फ्रेंड्स, खा लीजिए। बाय बाय। जय श्री महाकाल।